हम बिना गैस ऑन करे एक कप मिल्क पाउडर वन फोर्थ कप दूध और टू टीस्पून घी अपनी कढ़ाई में डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा हम अपनी गैस ऑन कर देंगे और इसको हल्की आंच पर तब तक भुनेंगे जब तक ये इकट्ठा सा ना होने लगे तो हम गैस बंद करके इसे पांच मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे तो अब हम इसमें डालते हैं टू टीस्पून स्पून का पाउडर बिल्कुल नाम मात्र को बेकिंग सोडा और इसको अच्छे से मसल लेंगे गुलाब जामुन के लिए डो थोड़ा सॉफ्ट चाहिए होता है हमारा मिक्सचर थोड़ा ड्राई लग रहा है तो मैं इसमें डालूंगी टू टीस्पून दूध और इसको अच्छे से मसलकर इसे फाइव मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है हम बना लेते हैं चाशनी यहाँ पे मैं एक कप चीनी में एक कप पानी मिक्स कर रही हूँ और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक चीनी घुल ना जाए इसमें मैं वन टीस्पून नींबू का रस वन टीस्पून इलायची पाउडर और वन टीस्पून रोज़ वाटर की डालेंगे आप चाहें तो इसमें थोड़े से सेफ्रन के थ्रेड्स भी डाल सकते हैं हमें चाशनी में तार नहीं बनाने हैं बस इतना पकाना है कि वो थोड़ी शहद जैसी चिपचिपी सी हो जाए हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है तो अब हम इसे गैस से हटा लेते हैं आटा थोड़ा सा सूखा सा लग रहा है तो हम इसमें लगभग एक टीस्पून के करीब दूध और डाल देंगे अब हमारा आटा एकदम परफेक्ट हो गया है एकदम सॉफ्ट तो अब हम रसगुल्ले के लिए बॉल्स बनाना शुरू करते हैं आप अपनी पसंद के हिसाब से बड़े साइज की या छोटे साइज की बॉल्स बना सकते हैं मुझे रसगुल्ले स्टफ करे हुए अच्छे लगते हैं तो मैं इसके अंदर एक चिरौंजी और किशमिश को स्टफ करके बॉल्स बना रही हूँ एकदम स्मूथ बनानी है उनमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए। बॉल्स बन चुके हैं सारे तो अब हम तेल में एक एक करके बॉल्स डाल देते हैं तेल को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है और तेल को चलाना होता है बॉल को अपनी चम्मच से या चमचे से टच नहीं करना है हमारे रसगुल्ले तेल में जाके फटेंगे तो नहीं ये चेक करने के लिए आप चाहें तो एक बॉल पहले तल के देख लें जैसा कि मैंने यहाँ किया है रसगुल्ले फटने का कारण होता है कि उसमें ज़्यादा मॉइस्चर है या बेकिंग सोडा ज़्यादा पड़ गया है तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप उसमें थोड़ा सा आटा और मिक्स कर लीजिए तो आपके रसगुल्ले बिल्कुल नहीं फटेंगे बस हल्की आंच पे इन्हें धीरे धीरे तलना है एक बार के रसगुल्ले तलने में पांच से सात मिनट का समय लग जाता है अब हम गरम करी हुई चाशनी में अपने सभी रसगुल्लों को डाल लेंगे यहां मैंने चाशनी में थोड़ा सा केसर भी मिक्स कर दिया था अब हम अपने गुलाब जामुनों को दो घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे कर देते हैं सॉफ्ट और गार्निश कर देते हैं अपने पिस्ता से तो अब करते हैं टेस्ट टेस्ट एकदम सॉफ्ट